दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक साध्वी आनंदी माँ से मिलाने जा रहा हूँ, जो मिल के साइलेंट किलर मेरी पुस्तक पढ़कर उनके जीवन में परिवर्तन आया और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को मुक्त किया। और एक सन्यासिनी है, एक साध्वी है, अपना आश्रम चलाती है मंडी में, हिमाचल में। तो क्या उनके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन आया, आप इस वीडियो को सुने तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अभी जो है मैं साध्वी आनंदी माँ को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाए। वो जो है हिमाचल में रहते हैं, पहाड़ियों में रहती हैं और काफी उनको हेल्थ के प्रॉब्लम थे, ओवरवेट भी थे, ओबेस भी थे, अस्थमा के प्रॉब्लम थे, हेमोग्लोबिन भी लो था। फिर उन्होंने जब से ये NDS का न्यू डाइट सिस्टम फॉलो की तो उनको काफी चमत्कारिक परिणाम मिले हैं। काफी फास्टिंग के उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंदी मां जी को कि वो एक बार यहाँ आ जाए स्क्रीन पे। हाँ आनंदी मां, हाँ हाँ प्रणाम आनंदी मां जी। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। मैं सर्वप्रथम हमारा मतलब जो अस्तित्व है, परमात्मा है, जिनके बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं के कृपा से मुझे ये नई भोजन प्रथा प्रणाली न्यू डाइट सिस्टम 2.5 साल पहले मिला। और उनका संस्थापक, नई भोजन प्रथा प्रणाली का संस्थापक परम पूज्य विभी चौहान गुरुजी श्रद्धे, उनका मतलब चरणों में सत्सत नमन। वो मेरे मार्गदर्शन कराए बहुत अच्छे से और मेरा आदर्श है वो, तो मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। और डॉक्टर NK शर्मा जी और डॉक्टर सविता दीदी जी को भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद बहुत। और प्रतीप साहब भैया जी का भी मेरे को बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरणा दिए हैं फोन में हर समय। और उनके उनको मैं आभार मानती हूँ कि उनका मतलब ये से मैंने आज मुझे बहुत मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं डॉक्टर NK शर्मा जी के साथ कुछ वार्तालाप, कुछ मेरा अनुभव शेयर कर सकूं। और ये है कि मैं एक्चुअली पिछले 10 साल से डॉक्टर NK शर्मा जी से ही प्रेरित हुई हूँ। और उनका मैं दिल्ली में मिली भी थी, उनका सेंटर में भी गई थी, लेकिन उन्होंने अभी नहीं पहचान पाते होंगे। और मैं उनका मिल कीजिए साइलेंट किलर बुक पहला पढ़ी और सभी किताब संतों के ऊपर भी लिखे हैं, ध्यान के ऊपर भी, और जब अखंड गुरु अखंड सब ये सब सभी किताब मैंने पढ़ी हूँ और मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिला। मैं कर रही थी, तभी से मैं कर रही थी, रॉ में थी लेकिन पूरी तरह रॉ में नहीं आ पाई थी, मतलब पका हुआ आहार पूरी तरह छोड़ नहीं पाई थी। मैंने 70-30% में थी और मुझे काफी तभी से काफी स्वास्थ्य में लाभ मिला था, लेकिन मेरे को ये प्रभु की कृपा से मतलब थोड़ा और समझ में आ गया उपवास के ऊपर। जैसे 2.5 साल पहले मुझे नई भोजन पथा प्राणी का पता चला, जिस दिन से पता चला उस दिन से मैंने मतलब इसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल प्रयोग करी और इसी से मुझे काफी रोग से मुझे लाभ मिला, मतलब मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हम संत हैं और उपनिषद गीता सभी के ऊपर हम सुने थे, लेकिन जब आहार परिवर्तन हुआ पूरी तरह, जब हम अपक को आहार मतलब आग में पका हुआ आहार को छोड़ दिए 2.5 साल से, उसी तरह सब कुछ छूट में जो हम रहे, तो हमको ज्यादा आध्यात्मिक लाभ हुआ। जो मैं खोज कर रही थी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और ये सब चीज मेरे को जानने की बहुत इच्छुक था, मैं उसी का ध्यान कर रही थी। भगवान रमन महर्षि जी का मेरे आदर्श है वो, तो उनका मतलब मैं ध्यान में कर रही थी, लेकिन उसमें विचार शून्य नहीं हो पा रही थी। तो यही आहार मुझे बहुत सहयोग करा, उसमें ज्यादातर महत्व में लंघनम परम औषधम इसके ऊपर दूंगी, क्योंकि आयुर्वेद में यही बात बोला गया है। तो ये मैंने प्रैक्टिकली जब करी, धीरे धीरे लंघन को बढ़ाई, मतलब ना खाना ना पीना, इसके ऊपर जैसे जैसे करती गई मेरे
ज्यादा मेरे स्वास्थ्य में लाभ हुआ। मेरे को बचपन से पैदाई से अस्थमा थी, तो मुझे काफी एलोपैथी आयुर्वेदिक होम्योपैथी सभी पथी का हमने कर चुके थे, मेरे माता पिता ने कर चुके थे, लेकिन मुझे उससे किसी से लाभ नहीं मिला था। योगा प्राणायाम सब कुछ की थी मैंने, लेकिन पूरी तरह मुझे क्योर इसी में हुआ, नहीं भोजन पथा प्राणायाम इंटरमीडिएट फास्टिंग को 16 घंटा फास्टिंग जो करती गई और बढ़ाती गई मैंने। और मैंने फास्टिंग मतलब अभी अभी मैंने पिछले 4-5 महीने पहले लगातार 15 डेज निर्जला फास्टिंग न खाना न पीना करी थी। और बीच बीच में काफी नौ हर एक नवरात्र में मैं 9 दिन निर्जला फास्टिंग करती हूँ, न खाना न पीना। तो इसी से मुझे बहुत लाभ मिला। और इसी से क्या हुआ ना, मेरा जो सांस फूलती थी वो सांस नहीं फूला, इनहेलर छूट गई, पहाड़ियों में मैं आराम से चढ़ पाई और एक आनंद मौज मस्ती में रह पाई। ध्यान करना नहीं करना नहीं पड़ता है, ध्यान हो जाता है अभी, मतलब पहले तो बहुत क्रिया कर ध्यान के लिए। वंडरफुल, हाँ जी। अभी जैसे जैसे हम सुखार पे आगे, आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, ज्यादा इसमें लाभ हुआ और हीमोग्लोबिन बढ़ गया, 13 है अभी मेरा हीमोग्लोबिन, पहले मेरे 8 थी और अभी B12 कम थी। B12 भी ठीक है इसी आहार से, रॉ फूड से। और अच्छा। मैं अभी पिछले दो दिन लास्ट 2 डेज में निर्जला फास्टिंग में थी, आज मैं जूस पे हूँ और अच्छा। मेरे को इसी से बहुत आनंद मिलती है, बहुत खुशी मिलती है और अकारण आनंद मिलती है, मतलब कोई कारण नहीं चाहिए खुशी आनंद के लिए। तो ये चीज का मेरे को बहुत अनुभव में हुआ। ज्यादातर ये हुआ कि जब पिछले साल से मेरे को मेंसुरेशन मतलब जब न्यू डाइट सिस्टम करने से पहले पीरियड जब आती थी मुझे, तो मुझे बहुत दर्द होती थी, पेट में दर्द होती थी, कमर में दर्द आती थी, बहुत ये होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं रॉ फूड में पूरी तरह आ गई और मतलब मिल्क प्रोडक्ट तो मैं 10 साल से ली ही नहीं, जब से डॉक्टर एन के शर्मा जी का मैंने किताब पढ़ी थी मिल्क इज ए साइलेंट किलर, तब से मैंने दूध छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने बताए थे कि ये दूध एक सूप है, मतलब बैक्टीरिया का सूप है। तो तब से मेरे दिमाग में ये चीज भर गया कि हमने डेड डेड चीज ले रहे हैं बोल के, तो इसीलिए मैंने वो दूध तब से छोड़ दी थी। और उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिला, उनका सब वीडियो देखती हूँ मैं और सब कुछ सुनती हूँ और बहुत सहज जीवन जीना कैसा है, उनसे प्रेरणा मिली डॉक्टर साहब से। और अभी मैंने मतलब यही बोलने जा रही थी कि जब दर्द होती थी मुझे पहले, लेकिन रॉ फूड में जब आई तब पीरियड में दर्द नहीं हुई मुझे, मतलब वो मतलब छूट गया पूरी तरह से, पता ही नहीं लगा दर्द का। और मेरा अभी एज 46 इयर्स है और मेरा पिछले साल मतलब अगस्त महीने 2020 अगस्त को मेरे को काफी दर्द, थोड़ा 3 दिन दर्द हुई और काफी ब्लीडिंग हुआ थोड़ा, और मेरे को टेम्परेचर आ गई थी 5-7 दिन, लेकिन मुझे मैं बिना दवाई से मैंने यही प्रण की थी कि मतलब 2.5 साल से मैं एक भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, एक भी मेडिसिन मेरे अंदर गया नहीं है। तो बिना दवाई से मैं टेम्परेचर भी मतलब छूट गया मेरा, इसके लिए मैं डॉक्टर झन्ना पटेल जी को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे उस समय बहुत प्रेरणा दिए थे, सहयोग करे थे। विभीषण गुरु जी भी फोन में बोले थे कि दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो हो रहा है होने दीजिए, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाट एवर हैपन। तो बस इसी को मैंने पकड़ ली थी और मैंने बहुत आराम से सहज भाव से रही और वो पीरियड निकल गया। और उसके बाद से मतलब कुछ भी मुझे दर्द नहीं हुई और 8-6 महीने तक मुझे पीरियड नहीं आई। और 2021 जनवरी में 2 बार पीरियड आई, मेंसेस आई, लेकिन उसमें मुझे कोई दर्द नहीं हुई थी। और फिर अभी मेरा 8-9 महीना हो गया पीरियड नहीं आई है और कुछ भी दर्द नहीं होती है, मैं ना कोई डिप्रेशन, ना कोई चिड़चिड़ापन, ना कोई गुस्सा, कुछ भी नहीं आई। मतलब इस आहार से ऐसे आनंद आया मुझे, मैं बता नहीं सकती कि मेरे को कुछ मतलब इसी क्षण वर्तमान हियर एंड नाउ में रहना आ गया मुझे, मतलब ये मतलब जैसे वर्तमान ही सब कुछ है, इसी क्षण ही सब कुछ है और जीने की कला आ गई। तो मुझे इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। और इसीलिए घबराना नहीं चाहिए कि अगर जैसे जैसे हम रॉ फूड को ज्यादा अपनाते हैं, मतलब पूरी तरह
बच्चे में मतलब स्वर्ण कुकुर में वैसे तो पका हुआ है, भगवान ने ही पका हुआ है, पकाए हैं उसमें भगवान का हाथ का प्रसाद रस भरा हुआ है और हम उसी रस को ग्रहण करके रसमय होना चाहिए। लेकिन हम उसको जो लोग ने सुखा के खा लेते हैं, पी लेते खाते हैं उसको, तो उसको फ्राई करके खाते हैं, भून के खाते हैं, तो वही ही बीमारी अलाती है। तो डॉक्टर एनके शर्मा जी का एक स्लोगन मुझे अच्छा लगता है, उन्होंने यही बताए हैं कि बीमारी लाना हमारा मतलब ये है, मतलब हम ही बुलाते हैं बीमारी बीमारी को, बीमारी मतलब स्वस्थ होना हमारे हाथ में है। हाँ जी, डिजीज इम्पॉसिबल, ये हमारा सूत्र है। डिजीज इम्पॉसिबल, हाँ जी, यही यही बात। हाँ जी, झरना पटेल ने कहा कि मेंस्ट्रुएशन की ना मेनोपॉज होता है ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो एक नेचुरल साइकिल है, अपने आप आती अपने आप जाती है। तो मुझे क्या लगता है, ये बिल्कुल झरना पटेल जी ने बहुत सही शब्द कहे हैं कि बस नेचर के साथ जीते जाओ, इट विल नेचर विल टेक केयर ऑफ यू, आपका शरीर अपने आप आपकी केयर करेगा। ये कितनी बड़ी अच्छी बात है, जरा सोचिए जो हर महिला को कितना राहत दे सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, समर्पित हो जाए, सरेंडर हो जाए और पूरी तरह मतलब उसी को, मतलब उन्हीं को उसी माँ के ऊपर छोड़ दे सब कुछ और हम ऐसे ही ग्रहण करें, तो जो भी हमारा शरीर में जो भी कुछ आएगा, चाहे मेंस्ट्रुएशन हो चाहे कुछ भी आए, मतलब ये साइकिल अपने आप निकल जाएगा, इसमें कोई क्या बात है। साध्वी जी आपने बहुत बहुत प्रेरणादायक आपने वचन कहे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप कहाँ रहती है इस वक्त, कहाँ पर है आप? गुरु जी हम अभी हिमाचल प्रदेश सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अच्छा, आइए दिगासी आश्रम है हमारा। चलो अच्छी बात, और बहुत शुक्रिया, आनंद में रहते हैं, शरीर का स्किन का ग्लो भी बहुत बढ़ गई इसी से, और रिंकल्स वगैरह सब निकल गया, पहला तो हुआ स्क्रीच हुई, वेट कम हो गया, 73 किलो से 37 किलो हो गई थी, लेकिन इसी आहार से, अपोको आहार से रॉ फूड से ही वजन बढ़ा मेरी, अभी मैं 55 किलो वजन हूँ, वेट गेन भी इसी से। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, शरीर का मतलब जितना जरूरत है, हाँ, कि बॉडी ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ यू। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात साजी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप जरा सोचिए कि माँ साध्वी आनंदी माँ की तरह हमारे अगर भारत के भी सारे साधु संत और महात्मा अगर इस प्रकार के आहार पे आ जाएं और अपने आप को दुष्ट से मुक्त कर लें, तो गायों का भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा, मैं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हमारे संत साधु महात्मा दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे और स्वयं कभी किसी बीमारी से मुक्त नहीं, सॉरी, और स्वयं कभी किसी बीमारी में नहीं जाएंगे और संसार से जाएंगे तो एक उदाहरण बनकर फल की तरफ पक कर जाएंगे। तो दोस्तों ये एटीट्यूड तो मेरे ख्याल से हमारे भारत के और विश्व के जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं उनका ये एटीट्यूड तो होना चाहिए ना। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।